हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम कान्हा जी के लिए ऐसी ड्रेस बनाना सीखेंगे। ये एक बहुत ही ज़्यादा इजी डिज़ाइन है। ये मैं 0 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाऊंगी और ये हम सभी साइजेस में बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। सभी साइजेस में उनकी चोली बनाकर सेम ऐसे ही बनाते जाना है तो ये सभी साइजेस में बन जाएगा। और चोली के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। चोली मैंने ऑलरेडी बनाकर रखी हुई है। अब इसकी फर्स्ट रो बनाएंगे। 3 चेन्स ले ली हैं पहले मैंने। अब उसी चेन में एक डबल क्रोशिया बना देंगे। उससे नेक्स्ट चेन में आप 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। मतलब हर चेन में हमें 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो ये रो मैं अपनी कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए, अब सेकेंड रो के लिए मैंने 3 चेन्स ले ली हैं। अब इससे नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और थर्ड जो चेन के प्रीवियस रो में जो डबल क्रोशिया है उसमें हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे। उसके बाद हमें 2 चेन्स में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। एक बन गया। अब नेक्स्ट चेन में एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब थर्ड चेन में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह से इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, मेरी रो कंप्लीट हो चुकी है। जो हमने पिछली रो में 3 चेन्स ली थी उसमें हम फ्रंट पोस्ट स्लिप स्टिच बना लेंगे। ऐसा करने से ये हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया माना जाएगा। 3 चेन्स ले ली है मैंने। अब उसी जगह पर हमें फिर से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। अब नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। उससे नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर रो में हमें 2-2 डबल क्रोशिया ऐसे ही बनाने हैं। अब फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया जो बनाएंगे वो हमें 2 बार बनाना है। सेम जगह पर 2 बार फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेंगे। स्टार्टिंग में भी हमने ऐसे ही बनाया था। अब फिर से 2 चेन्स और फिर ऐसे ही रिपीट करना है। ये देखिए, मेरी रो कंप्लीट हो गई है। अब पिछली रो की तरह ही जहाँ पर 3 चेन्स ली थी वहाँ पर फ्रंट पोस्ट स्लिप स्टिच से ऐसे बना लेना है। अब 3 चेन्स ले लेंगे। अब जो सेकंड वाला हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया था उसमें हम 2 बार बनाएंगे। तो ये हमारे हर रो में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया इंक्रीज हो रहा है। ये देखिए, अब इसमें 3 हो गए। अब जो 2 डबल क्रोशिया बनने हैं वो सेम रहेंगे हर रो में। 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे हम। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। अब ये 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया हैं। पहले वाला तो हमें एज इट इज बना लेना है। इसके ऊपर हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेंगे। सेकंड वाले के ऊपर 2 बार फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक हमारा बन गया था फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। दूसरे वाला ये हमने फिर से बना लिया। मतलब जो लास्ट वाला हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया उसमें हम 2 बार बनाएंगे हर रो में। ये हम आगे भी देखेंगे। अब हमें 2 चेन्स में 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। फर्स्ट और सेकेंड में वैसे ही बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया जैसे यहाँ पर बनाए हैं। तो ये मैंने रो कंप्लीट कर ली है अपनी। अब वैसे ही करना है। 3 चेन्स में फ्रंट पोस्ट स्लिप स्टिच से ऐसे बना लेंगे हम। फिर से 3 चेन्स लेंगे। अब पहले वाले फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर 1 बार बनाएंगे और जो ये बाद वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम 2 बार बनाएंगे। एक तो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन्स वाला बनाया था और अब ये हमारे टोटल मिलाकर
चार हो गए। देखिए हर रो में एक एक इंक्रीज होता जा रहा है। अब दो बार डबल क्रोशिया बना लेंगे, ये सिंपल बनाना है हमें। अब जो फ्रंट पोस्ट, ये जो तीन डबल क्रोशिया दिख रहे हैं, पहले के ऊपर एक बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, सेकंड वाले के ऊपर भी एक बनाएंगे, थर्ड वाले के ऊपर दो बना लेंगे। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट रो में भी ऐसे ही बनाएंगे, उसमें हमारे पांच फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया हो जाएंगे और ऐसे ही हमें इंक्रीज करते जाना है। लेकिन मैं इस ड्रेस के लिए पांच रोज तक ही बनाऊंगी, इसके बाद एक और रो बनाऊंगी, तो वो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगी कैसे बनेगा। तो ऐसे ही हर रो में इंक्रीज करते जाना है। अगर बड़े साइज़ के लिए आप बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप ज़्यादा रोज़ बना लेंगे। ये देखिए मेरा कंप्लीट हो गया था ये। अब मैंने वाइट कलर ले लिया है, थोड़ा सा हम लेस का डिज़ाइन दे देंगे इसमें। ये देखिए मैंने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया है, इन धागों को हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए दो चेन्स बना ली हैं उसके बाद। अब जो ये सिंगल क्रोशिया था, यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ये मैंने अपनी रेड ड्रेस में भी बताया हुआ है ये लेस पैटर्न, एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। फिर से तीन चेन्स लेंगे, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। फिर से एक चेन छोड़कर सेकंड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए फिर से तीन चेन्स बना लेंगे। थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे, एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो इसी तरह से मैं ये पूरी अपनी लेस बना लूँगी। अब हम जो चोली का आउटर पोर्शन है उसमें बॉर्डर बनाएंगे सिंगल क्रोशिए से। ये देखिए सिंपल सिंगल क्रोशिए से हमें चोली का जो आउटर पोर्शन है खुला हुआ और जो बाजुए हैं उसमें हम सिंपल अपना बॉर्डर बना लेंगे। ये देखिए हमारी ड्रेस कुछ इस तरह से दिख रही है। अगर आपको ये अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। जय राधे कृष्ण।